नमस्कार दर्शकों, मैं आलोक मिश्रा प्रस्तुत हूं आपके सामने आज एक खास विशेषांक के साथ और आप देख रहे हैं आवाज। दर्शकों, आज हम बात करेंगे भारत और नेपाल के रिश्तों के ऊपर। नेपाल एक ऐसा देश जिससे भारत का बहुत पुराना रिश्ता रहा है, बल्कि हजारों सालों पुराना रिश्ता रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल सिर्फ दो देश है, लेकिन उनकी आत्मा एक है, क्योंकि यहाँ और वहाँ की संस्कृति कहिए, रहन सहन कहिए आदि, सभी पूरी तरह से समान है। हमारे देश की सीमाएं खुली हुई हैं, बेरोक टोक हम वहाँ जा सकते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं, बल्कि वहाँ के लोग यहाँ आके वे अपना व्यवसाय भी करते हैं। हमारे भारतीय आर्मी में भी उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। तो एक हम कह सकते हैं कि भारत और नेपाल एक बड़े और छोटे भाई की तरह ही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बड़े और छोटे भाई के जो ये रिश्ता है उसमें खटास आने लगी है। इसका कारण दोस्तों बहुत है, लेकिन जो मेन कारण है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सवाल यह भी उठता है कि हजारों वर्ष पुराना रिश्ता क्या इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं। क्या वहाँ के लोग इसके जिम्मेदार है? इसका भी जवाब है नहीं। क्यों? जैसा कि कहावत है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, वैसे ही वहाँ की जो सरकार है, जिस केपी शर्मा ओली की, उसने पूरे नेपाल कहिए या फिर भारत कहिए, दोनों देशों का माहौल बिगाड़ के रखा है। यानी ओली सरकार वह मछली है जो नेपाल और भारत जैसे विशाल समुद्र या को पूरी तरह से गंदा करके रखी है। हम सभी जानते हैं कि ओली ने समय समय पर भारत के खिलाफ काफ़ी विवादित बयान भी दिए हैं। हाल ही की बात करें तो अयोध्या या फिर कुछ महीने पहले जो नेपाल ने अपने संसद में नया नक्शा जारी किया था, इस कदम से नेपाल की जनता भी काफ़ी खफा है और वहाँ के नेता भी उनसे खफा है। वो दोनों पूरी तरह से मानते हैं कि केवल ओली सरकार ही भारत और नेपाल के बीच आए हुए जो रिश्तों में खटास है वह पूरी तरह से जिम्मेदार है। लेकिन इन सब के बीच नेपाल के जनता के मन में एक शख्स के लिए इज्जत और प्रसिद्धि काफ़ी बढ़ गई, और वो है नेपाल के आखिरी राजा ज्ञानेंद्र। 2008 के बाद जब डेमोक्रेसी नेपाल में आई तो एक नए नेपाल का सपना देखा गया, लेकिन पिछले 10 सालों में नेपाल के ग्रोथ रेट कहिए या फिर उसका महत्व कहिए पूरी तरह से गिर गया है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या नेपाल के जनता के मन में ज्ञानेंद्र के प्रति विश्वास जगना क्या राजतंत्र को फिर से वापस ला सकता है? इसके कई कारण हैं। नेपाल की जनता अक्सर मानती आई है कि जो उनका राजा है वह उनकी संस्कृति की रक्षा करता है। एकमात्र पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र होने का उनका अपना ही एक अलग गर्व है। दूसरा, उनका मानना यह भी है कि जब नेपाल में राजतंत्र था तो जब नेपाल का राजा कहीं दूसरे देशों में जाता था जहाँ के राजा हेड हैं, यानी अगर ऑस्ट्रेलिया कहिए, आयरलैंड कहिए, यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट एक किंग है या फिर एक क्वीन है, वहाँ पे नेपाल का एक अलग महत्व था। लेकिन ज्ञानेंद्र के जाने के बाद यह सब महत्व कम हो गया। विश्व में नेपाल की काफ़ी महत्ता घटी भी है। इन सब कारणों के चलते नेपाल की जनता ओली सरकार से और खफा है, और यही कारण है कि ज्ञानेंद्र के प्रति उसके मन में विश्वास और जग गया है। ऐसे में ज्ञानेंद्र ने भी संकेत दिए हैं अपने सत्ता में वापस आने के। तो इसका सवाल यह उठता है, क्या नेपाल में फिर से राजतंत्र वापस आएगा? तो इसका जवाब तो अभी हम दे नहीं सकते, ये भविष्य के में छोड़ देना चाहिए। लेकिन नेपाल में जो डेमोक्रेसी आई, क्या वो सही थी? क्योंकि देखिए, डेमोक्रेसी दूसरे देशों में भी आई, लेकिन दूसरे देशों ने इस पर काफ़ी स्ट्रगल किया। 50 साल 100 साल स्ट्रगल के बाद वहाँ की जनता जब पूरी तरह से तैयार हो गई तब उसे डेमोक्रेसी मिली। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो 200 सालों तक हमने लड़ा तब जाके हमें आज़ादी मिली। और भी कई ऐसे देश हैं, अगर हम फ्रांस की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्रांति हुई तब जाके यहाँ पे गणतंत्र और भारत का देश आज़ाद हुआ। लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं, नेपाल में झट से ख़त्म हुआ और झट से नया संविधान बना जिसे नेपाल की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ऐसे में क्या राजा को फिर से वापस आना चाहिए? क्योंकि फिर से एक बार नेपाल की जनता के मन में उनके लिए एक खास विश्वास जगने लगा है, और इसके कई कारण भी है। ज्ञानेंद्र की छवि भी काफ़ी अच्छी रही है
और वो काफ़ी मतलब अच्छे इंसान भी रहे हैं और नेपाल की जनता उन्हें काफ़ी मानती भी आई है जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो सवाल यही रहेगा कि क्या राजतंत्र फिर से वापस आ रहा है नेपाल में या नहीं। हालात कुछ भी हो, चाहे वहाँ राजतंत्र वापस आए चाहे वहाँ प्रजातंत्र बना रहे, ज्ञानेंद्र चाहे राजा बन के वापस आए या फिर चुनाव लड़के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन एक मुद्दा हमेशा रहेगा वहाँ की जनता का ही, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी देश वहाँ की जनता के अनुसार ही चलता है। तो आशा करेंगे भविष्य में नेपाल और भारत के में जो रिश्तों में जो खटास आई है वह दूर हो और फिर से हम लोग पहले की तरह ही रहें। ऐसे ही और खास विशेषांक को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल आवाज़ के साथ। धन्यवाद।